आप नेक्स्ट नाइन न्यूज, एक बार फिर से है आप सभी का हमारे शो में स्वागत, जहां हम करेंगे बात वेजिटेरियन एक्टर दिलीप कुमार और उनकी पत्नी सायरा बानो के बारे में। आज भले ही दर्द ने और उम्र की लाचारी ने दिलीप साहब को तोड़ कर रखा है, आज भले ही अपनी बीमारियों की वजह से लाचार दिलीप अपनी पत्नी की ढाल बनकर खड़े रहने के बजाय पत्नी के साथ उनके जीवन के इस बुढ़ापे की उम्र में उनका सपोर्ट करने के बजाय खुद उन्हीं पर पूरी तरह से निर्भर हो गए हैं, पूरी तरह से उन्हीं पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। वो दिलीप साहब कभी अपनी पत्नी की हर छोटी खुशियों का ख्याल रखते थे। हाँ, एक भूल हुई दूसरी शादी की, लेकिन उस भूल को सुधारने के लिए ताउमर सायरा बानो के साथ जीवन भर उनके सुख दुख का साया बनकर पूरे घर परिवार को सायरा बानो के लिए चहेता बनाकर दिलीप साहब ने अपने प्यार को फिर से मुकम्मल किया। आइए हम आपको दिखाते हैं एक खास नज़ारा दिलीप और सायरा की मोहब्बत का, जो कि काफ़ी मशहूर है, जो काफ़ी यादों से भरा है, जो सिर्फ आज दर्द भरी उनकी स्थिति में मुस्कान की वजह बना है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वेजिटेरियन एक्टर दिलीप साहब की पुरानी हसीनी यादें, जो हो गई है ताज़ा एक बार फिर उन तस्वीरों के ज़रिए जो हम आप सभी के बीच कर रहे हैं पेश। वैसे इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन के कई सवाल होंगे, जिसके जवाब तो आपको मिल गए होंगे। जिस तरह से वेजिटेरियन एक्टर दिलीप साहब को, और ये तो आप जानते ही हैं कि वेजिटेरियन एक्टर दिलीप साहब की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा राज करने वाली उनकी पत्नी सायरा बानो की बात करें तो सायरा बानो दिलीप साहब का रिश्ता कितना अनोखा, कितना अलग है, ये तो आप भी जानते ही हैं। तो चलिए हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में ये भी बता दें कि वाकई में जो बात हम करते हैं यहाँ पर, आपको ये भी बताना चाहेंगे एक बार फिर से कि किस तरह से दिलीप साहब बीमारी से पहले, बीमारी की जकड़ में आने से पहले काफ़ी ज़्यादा रहते थे खुश। जब उन्होंने 25th एवरिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, और जब आप सभी के फेवरेट दिलीप साहब कर रहे थे सेलिब्रेट अपनी पत्नी सायरा का जन्मदिन, उस वक्त की बात ही अलग थी। शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन सायरा बानो और दिलीप साहब की उस वक्त की कहानी कुछ ऐसी थी कि बहुत अलग थी। दिलीप साहब तब इतने बीमार नहीं रहते थे, सायरा बानो पर डिपेंडेंट नहीं रहते थे, दिलीप साहब काफ़ी एक्टिव रहा करते थे। दिलीप साहब की ऐसी कहानी आपने शायद सुने ना होगी, लेकिन सायरा बानो अपनी पत्नी के साथ जब वो करते थे इन्जॉय, पूरे बॉलीवुड के देते थे वो पार्टी, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री होती थी सायरा बानो के जश्न में उनके साथ शामिल। अब वही दिलीप साहब इतने बदल चुके हैं, कुछ दिनों पहले की अगर तस्वीर आपने देखी होगी तो आपने देखा होगा कि स्ट्रेचर पर दिलीप साहब को ले जाया जा रहा था। दिलीप साहब जो अपनी पत्नी के साथ कितने खुश रहा करते थे, वो दिलीप साहब इस तरह से नज़र आएंगे, स्ट्रेचर पर रहेंगे, वो खड़े भी नहीं हो पाएंगे, बैठ भी नहीं पाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था 98 वर्षीय दिलीप साहब को इस तरह से बेड पर भी देखने को मिलेगा। व्हीलचेयर के सहारे दिलीप साहब रहा करते थे। जलील पारकर जो दिलीप साहब का शुरुआत से ट्रीटमेंट कर रहे हैं हिंदुजा हॉस्पिटल में, नितिन गोखले जो दिलीप साहब की ट्रीटमेंट के लिए हमेशा उनके साथ रहे हैं खड़े, वही दिलीप साहब को बीते कुछ दिनों पहले स्ट्रेचर पर ले जाती हुई नज़र आई उनकी पत्नी। और ये देखने को मिला कि सायरा बानो किस तरह से पति के सिर को चूमती नज़र आई थी और इमोशनल हो गई थी। दिलीप साहब की ऐसी दशा किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। इतने बदल गए हैं दिलीप साहब, मास्क लगाकर उन्हें बेड पर लेटाकर ले जाया गया था, ऐसी हालत दिलीप साहब की पहले कभी देखने को नहीं मिली, जो कुछ दिनों पहले देखने को मिली है ऐसी दशा दिलीप साहब की हुई। लेकिन कभी वही दिलीप साहब अपनी पत्नी के साथ जब इन्जॉय करते थे, उन्हें सरप्राइज़ दिया करते थे, इतने खुश रहा करते थे। सायरा बानो के लिए दिलीप साहब के स्टेटमेंट भी थे जो हम आपको सुनाना चाहेंगे। दिलीप साहब के स्टेटमेंट अपनी पत्नी सायरा बानो के लिए बीमारी के वक्त काफ़ी इमोशनल कर देने वाले सामने आए थे। जी हाँ, अपनी पत्नी का हमेशा शुक्रगुजार रहने वाले दिलीप साहब का कहना था कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अनोखा वक्त गुजारा।
शादी के 54 साल में भी इनका रिश्ता नहीं टूटा। दिलीप साहब की दूसरी शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में रही थी सायरा बानो, संभालना उन्हें काफ़ी मुश्किल हो गया था कहा जाता है, लेकिन पत्नी को फिर दिलीप साहब ने नहीं छोड़ा, पत्नी के पास वो वापस लौट आए थे। जी हाँ, गजब की खूबसूरती, दिलकश एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाली सायरा की बात आती है तो दिलीप और उनके साथ सायरा की बेपनाह मोहब्बत की चर्चा अनायनास ही आ जाती है। और चर्चे अनायनास तो होते ही हैं, इनके प्रोफेशनल ज़िंदगी में जितनी इनकी रंगीन कहानी है उतनी ही ज़्यादा असल ज़िंदगी में इनकी मोहब्बत है। सायरा ने भी सोचा नहीं था 22 साल की उम्र में वो सुपरस्टार दिलीप की पत्नी बनेंगी दोगुनी उम्र के 44 साल के, लेकिन प्यार तो अंधा होता है, इस बात को इन्होंने साबित किया है। दिलीप कुमार के केस में ऐसा ही हुआ, उम्र के फासले इन्होंने नहीं देखे, उम्र के मामले में दोनों अपने प्यार को अंधा बता बैठे और इसलिए तो दिलीप और सायरा का प्यार इतना टिका। वेडिंग एनिवर्सरी की बात करें, बॉलीवुड अवार्ड शोज की बात करें, बर्थडे पार्टी की बात करें, हर जगह सायरा और दिलीप एक दूसरे के साथ रहे। कहा जाता है शादी की जिद पर सायरा बानो ही अड़ी थी, तुम मेरे सफ़ेद होलते बालों को तो देखो, दिलीप साहब ने कहा था सायरा को। जब दिलीप साहब से सायरा करना चाहती थी शादी, सायरा बानो ने कहा था कि वो शादी उन्हीं से करेंगी। दिलीप साहब भी बहुत ज़्यादा डर गए थे, इतने कम उम्र की एक्ट्रेस के साथ वो शादी करेंगे, क्या वो उनके साथ निभा पाएंगे रिश्ता, सायरा ने कहा। दिलीप कुमार के पास कोई जवाब नहीं था सायरा ने जो ऐसा जवाब दिया। दरअसल आपको बताना चाहेंगे कि सायरा बानो के बारे में आपको शायद मालूम ना हो, उन्होंने ऐसा जवाब ही दिया था कि शादी में कड़वाहटों के बावजूद वो जवाब उनका सच्चा था मालूम हुआ। 80 के दशक में दिलीप साहब ने सायरा को छोड़ शादी की, लेकिन वो शादी 2 साल में ख़त्म हो गई। सदमे में आई सायरा को फिर दिलीप साहब ने मनाया और अपने घर से उन्हें कभी दूर नहीं जाने दिया। सायरा बानो ढाल बनकर दिलीप साहब के साथ खड़े रहे, मुश्किल दौर में दिलीप साहब का साथ जिन्होंने नहीं छोड़ा तो वो सायरा बानो ही थी। कई मुश्किल दौर में दिलीप साहब का साथ छोड़ने वाले लोग आए, लेकिन सायरा ने इतने मुश्किलों के बाद भी दिल टूटने के बावजूद उनका साथ नहीं छोड़ा। 50 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में भी दिन रात उनके लिए साये की तरह सायरा बानो खड़ी रही, उनका बच्चे की तरह सायरा बानो सेवा भी करती आई हैं और ये सच है बिल्कुल। खुद सायरा बानो ने ऐसा बताया भी है अपने पति दिलीप साहब को लेकर कि उन्हें बच्चे की कमी महसूस नहीं हुई क्योंकि वो दिलीप साहब की सेवा में इस तरह से हमेशा रही हैं जिस तरह कोई भी नहीं रहा। दिलीप साहब की सेवा में हमेशा उन्होंने खुद को उनकी पत्नी, उनकी बहन, माँ, दोस्त सब बनकर उन्हें संभाला है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का शो। वेटेरियन एक्टर दिलीप कुमार और उनकी पत्नी सायरा बानो को लेकर अब इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे यही इजाजत लेने का। जी हाँ, ऐसी ही फिल्मी दुनिया से जुड़ी तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए, एंटरटेनमेंट की दुनिया की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। और एक भी अपडेट मिस ना करने के लिए अपने पसंदीदा सितारों से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए अपने प्यारे प्यारे संदेश हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। और आप अगले सितारे के बारे में जानना चाहेंगे वो कमेंट में हमें जरूर बताएं। फिलहाल लेंगे यही इजाजत, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, घर पर रहें।